मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम बैक अवर नेक्स्ट टीवीस क्लास। सो स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास वी स्टार्टेड अवर चैप्टर नंबर 14 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द पोस्टल सिस्टम, टेलीफोन। ओके, सो टू बी कंटिन्यू इन दिस चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्स। अ फैक्स माइल, फैक्स इज अ मशीन बाय विच यू कैन सेंड रिटर्न मैसेजेस एंड पिक्चर्स इमीडिएटली। देखिए, जो फैक्स मशीन होती है उसके द्वारा हम अपने मैसेजेस और अपने पिक्चर्स को इमीडिएटली कहीं पर भी भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं किसी को भी, कहीं पर भी। नेक्स्ट इज इंटरनेट। इंटरनेट इज द वर्क दैट लिंक्स कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड यूजिंग केबल्स एंड टेलीफोन लाइन्स वाया सैटेलाइट। देखिए, जो इंटरनेट होता है वो एक प्रकार का नेटवर्क होता है जो हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है, जिसके द्वारा हम जो केबल्स और टेलीफोन की सैटेलाइट द्वारा जुड़ा हुआ है। यू कैन गेट एनी इन्फॉर्मेशन और सेंड ईमेल। इसके द्वारा आप कोई भी इन्फॉर्मेशन और कोई भी ईमेल सेंड कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, थ्रू द इंटरनेट, इंटरनेट के द्वारा। नेक्स्ट इज मास मीडिया। कम्युनिकेशन विद द लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम इज पॉसिबल थ्रू द न्यूज़पेपर, रेडियो, मैगजीन एंड टेलीविजन। देखिए, कम्युनिकेशन जो होता है, जो दूर संचार होता है, एक बड़ी मात्रा में लोगों के द्वारा सेम टाइम पे एक ही समय पे यूज किया गया ना होता है, इसे इज पॉसिबल थ्रू द न्यूज़पेपर। जो किसके द्वारा पॉसिबल होता है, न्यूज़पेपर के द्वारा, रेडियो के द्वारा, मैगजीन्स के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा। थ्रू दिस यू आर एबल टू नाउ डेट वॉट इज हैपनिंग इन द कंट्री एज वेल एज इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या कुछ नया होने वाला है। यू लिसन और वॉच इंटरटेनमेंट प्रोग्राम एंड न्यूज। और इसके द्वारा आप इंटरटेनमेंट, अपना मनोरंजन के साधन, मनोरंजन भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अपने प्रोग्राम देख सकते हैं, समाचार देख सकते हैं। इवन दोस हु कैन नॉट रीड और राइट कैन लिसन टू द रेडियो। और यहाँ तक कि जो व्यक्ति सुन नहीं सकता है या पढ़ नहीं सकता है, जो व्यक्ति लिख नहीं सकता है, पढ़ नहीं सकता है, वो रेडियो के द्वारा न्यूज को सुन सकता है। वॉच टेलीविजन टू नाउ अबाउट द वर्ल्ड। और टेलीविजन के द्वारा हमारे पूरे दुनिया को जान सकते हैं। सी न्यूज पेपर, टेलीविजन, रेडियो, ये सब वो है मास मीडिया। नेक्स्ट इज सैटेलाइट। सैटेलाइट आर नाउ यूज फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। जो सैटेलाइट होता है उसका यूज हम लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी के दूरसंचार के कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। टीवी प्रोग्राम्स कैन बी रिलाइड लाइव यूजिंग सैटेलाइट। और टीवी प्रोग्राम जिसे लाइव बोलते हैं, हम यूजिंग सैटेलाइट के द्वारा ही देख सकते हैं। टूडे देयर आर मेनी सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट। और आज के समय में हमारे ऑर्बिट में बहुत सारे सैटेलाइट्स उपस्थित हैं। नेक्स्ट इज सिनेमा। सिनेमा इज द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मास इंडिया। देखिए, सिनेमा होता है जिसे क्या बोलते हैं, बहुत पॉपुलर है वो मास मीडिया के अंदर। ऑलमोस्ट एवरी टाउन एंड सिटी हैव अ सिनेमा हॉल। और यहाँ तक कि हर एक टाउन, हर एक सिटी में एक सिनेमा, हर एक जगह सिनेमा हॉल है। एक्सेप्ट रिक्रिएशन, सिनेमा इज ऑल्सो ऑफ अ ग्रेट एजुकेशन वैल्यू। द गवर्नमेंट हैज अ नंबर ऑफ मोबाइल सिनेमा वैन्स। और जो गवर्नमेंट है उसने एक बड़ी मात्रा में मोबाइल सिनेमा है इनको करके रखा, उपलब्ध कराया है। इट अरेंज सिनेमा शोज इन द रूरल एरिया एंड सो अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिगार्डिंग। और इसके द्वारा ये अरेंज किया गया है कि जो सिनेमा होते हैं, सिनेमा नाटक होते हैं रूरल एरियाज में, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वहां पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दर्शाई जाए रिगार्डिंग इट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। उनकी पॉलिसीज और उनके प्रोग्राम्स को बताया जाए ताकि सभी लोग उनसे, कोई भी उनसे वंचित ना रहे, सभी को सब चीज के बारे में मालूम पड़े। सो नेक्स्ट इज पिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट द चीपेस्ट। द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज, इसमें से चीपेस्ट कम्युनिकेशन है न्यूज़पेपर, फैक्स, पोस्टल सिस्टम। सो आंसर इज पोस्टल सिस्टम। मोबाइल फोन इज ऑल्सो नेन एज, मोबाइल फोन को हम और किस नाम से भी जानते हैं, डाटा फोन, सेल फोन, लैंडलाइन फोन। सो आंसर इज सेल फोन। थर्ड, डैश इज अ नेटवर्क दैट लिंक्स कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसी लिंक, ऐसा नेटवर्क जो ऑल ओवर वर्ल्ड के कंप्यूटर के द्वारा जुड़ी हुई है, इंटरनेट
ln len man man. So answer is internet. Next, dash is the means of mass communication. इनमें से mass communication है साधन है fax machine, mobile, television. So answer is television. Next, fill in the blanks with the correct word. The word dash means exchange of information among the people. ऐसा word जिसके द्वारा हम अपने information को लोगों के अंदर लोगों के द्वारा exchange कर सकते हैं. Answer is communication. CONNUNICATION communication. Nowadays, this service is used to send urgent letter and parcels. आज के समय में हम अपनी urgent parcel letters और parcels को क्या कर सकते हैं? Courier, COURIER, courier. Third, are now used for a long distance communication. Long distance communication के लिए हम आजकल क्या use कर रहे हैं? Satellite, satellites. Fourth, can send written messages and pictures immediately. जिसके द्वारा हम अपने written messages और pictures को भेज सकते हैं. Answer is fax machine. FAXMACHINE. Okay. So students, in next class we were doing our math the following and question answer. Thank you. Have a nice day.